फ्रेंड्स, अभी यही हम इनवॉइस बना रहे जीएसटी में, हम जीएसटी आर वन अपलोड कर दें, डिटेल रिटर्न, वेरी डिटेल रिटर्न, एक एक ट्रांजेक्शन का डेटा गवर्नमेंट के पास है। उसके बाद ई इनवॉइस, सॉरी ई वे बिल है, जहाँ पे हमारी मूवमेंट ट्रैक की जा रही है। सो नाउ वी आर मूविंग नेक्स्ट स्टेप अहेड विद द ई इनवॉइसिंग। व्हाई गवर्नमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग द इनवॉइसिंग? आई थिंक व्हाट आर द गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, दे आर सेइंग दैट दे वांट टू इलिमिनेट फेक इनवॉइस ट्रांजेक्शंस। बहुत सारे फेक इनवॉइस ट्रांजेक्शन हर रोज पकड़े जा रहे हैं, जीएसटी में कैप्चर हो रहे, 5 करोड़ का 10 करोड़ का 100 करोड़ का फ्रॉड हो रहा है। ऑलमोस्ट अभी तक शायद 450 फ्रॉड जीएसटी पकड़े गए हैं। तो ये जो फेक इनवॉइस ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, शायद इसको गवर्नमेंट को इलिमिनेट करना है टोटली। इसलिए गवर्नमेंट ई वे बिल को 1 अप्रैल 2020 से ला रहा है, जो टैक्स पेयर इनका टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है। और ये भी बताया गया है कि ये फेज वाइज मैनर में इम्प्लीमेंट करें, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ये 100 करोड़ के ऊपर को ही एप्लीकेबल रहेगा। जैसे जैसे कंफर्ट आएगा लोगों का और गवर्नमेंट का, वैसे वैसे शायद ये एक नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन को भी एप्लीकेबल किया जाएगा। और ये सबको, मतलब जैसे मुझे भी चाहिए इनवॉइस जनरेट करना पड़ सकता है अगर ये होता है तो। बट द इम्पोर्टेंट रीजन कुड बी फॉर इम्प्लीमेंटिंग द इनवॉइसिंग इज इलिमिनेशन ऑफ फेक इनवॉइसेस। सेकेंड इज दैट टू रिड्यूस द वेरिफिकेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। जब अभी इनवॉइस ही जनरेट हो रहा है पोर्टल पे, तब सब इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास है, तो सप्लायर को भी, जो सॉरी रेसिपिएंट को जो भी कुछ क्रेडिट हो रहा है, तो ऑफिसर को ज्यादा वेरीफाई करने की जरूरत नहीं, बिकॉज सप्लायर ऑलरेडी ऑथेंटिकेटेड दैट इन्फॉर्मेशन ऑन द जीएसटी वेबसाइट, एंड बेस्ड ऑन दैट ओनली दैट इन्फॉर्मेशन विल फ्लो टू द रेसिपिएंट, एंड सो दैट इट विल बी इलिमिनेशन और रिडक्शन इन द वेरिफिकेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिसर पर्सपेक्टिव। ये एक रीजन बताया गया है ऑब्जेक्टिव ऑफ इनवॉइसिंग में। थर्ड इज दैट इट विल बी वन टाइम रिपोर्टिंग। आप एक बार जीएसटी, आप एक बार इनवॉइसिंग का जेसन फाइल अपलोड करोगे, वो वैलिड होगा, और जो भी इंफॉर्मेशन आपका इनवॉइस बनेगा वो आपके पास भी आएगा, वो जीएसटी का हमारा रिटर्न का जो पोर्टल है उस पर भी चला जाएगा और ई वे बिल पोर्टल पे भी चला जाएगा। सो आपका जीएसटी आर वन और आने वाले समय में एनएक्स वन विल ऑटोमेटिकली प्रिपेयर बेस्ड ऑन द इनवॉइसिंग, एंड वो ई वे बिल पे भी चला जाएगा, तो आपका पार्टी ऑफ द ई वे बिल डी इनवॉइस से बनेगा। सो गवर्नमेंट वॉन्ट्स की ये वन टाइम रिपोर्टिंग हो जाए, और शायद मुझे से लगता है, आई फील गवर्नमेंट इफ वॉन्ट्स टू मेक इनवॉइसिंग सक्सेसफुल, अगर ये शुरुआत में सब ठीक चल रहा है, तो गवर्नमेंट शुड इलिमिनेट द ई वे बिल वंस इनवॉइसिंग इज इम्प्लीमेंटेड, बिकॉज साइड बाय साइड टू कंप्लायंसेस। बिकॉज एक बार गवर्नमेंट के पोर्टल पे इन्फॉर्मेशन, ई वे बिल, व्हाट ई वे बिल इज डूइंग बेसिकली, ई वे बिल भी सब डेटा ऑनलाइन गवर्नमेंट के पास दे रही है, वो पर्पस ई वे बिल का था, और मूवमेंट कैप को ट्रैक करना। अब पर जब ई इनवॉइसिंग में सब इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास जा रही है, तो शायद गवर्नमेंट अगर ई वे बिल को रिप्लेस किया जाता है इससे, तो इंडस्ट्री विल वेलकम द इनवॉइसिंग, और गवर्नमेंट से पहले लोग ही बोलेंगे कि आप इसको इनवॉइसिंग को ई वे बिल से रिप्लेस करो, बिकॉज आज की तारीख में ई वे बिल की वजह से ऑनेस्ट टैक्सपेयर को काफी दिक्कत महसूस होती है। जब छोटे छोटे क्लियरिकल एरर्स होते हैं, कुछ जीएसटी नंबर गलत हो जाता है, गाड़ी रस्ते में पकड़ी जाती है, वैल्यू अगर गलत रहती है, टैक्स अमाउंट हो जाती है, क्लियरिकल मिस्टेक के ऊपर लाखों की पेनल्टी लग जाती है। सो अगर गवर्नमेंट इसको पॉजिटिवली सोचता है कि इनवॉइस अगर आने वाले समय में ई वे बिल को रिप्लेस करता है, तो शायद ये पीपल विल एक्सेप्ट इट बिफोर गवर्नमेंट इज मेकिंग इट मैंडेटरी। So these are the important benefits, objective of the government, that it will eliminate the fake invoices, input tax credit verification will be reduced from the officer side, then one time reporting in the invoicing for invoicing in by to GST returns and to e-way bills, and hum e-way bill bhi bana payenge iske se. So these are the basic objective of the invoicing.